Good morning, everyone. So today is, I guess, Thursday, and the date is 11th of April. So basically, आज थोड़ा सा बिजी डे होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. हाँ, सच में यार, बहुत टाइम बाद जा रही हूँ मैं. एंड या फैमिली के साथ जा रही हूँ. मम्मा जा रही हैं, चाची जा रही है, कज़न जा रही है. जो भी होगा आई विल लेट यू गाइस नो. एंड राइट नाउ अभी बज रहे हैं सुबह के 9. एंड अभी मैंने एक वीडियो जस्ट अपलोड की है, लाइक नॉट अपलोड, शेड्यूल पे डाली है. वो करेक्ट 10 बजे अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज मैं मे बी 10 मिनट बाद ही उसे ऑन एयर डाल दूँगी बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी. मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन हो गए थे मुझे वीडियो डाले, बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने संडे को डाली थी. बट इट्स फाइन बिकॉज होता है यार कभी कभी. So right now I was editing the thumbnail for that video and I have just finished doing that work. I don't know if it's focusing or not, but thumbnail is ready as you can see over here. And just few more details to be done and the video is live. Here is the video. One view, one like. बहुत मेहनत लगती है यार सीरियसली एक वीडियो को बनाने में. आई वॉज लाइक, जब मैं यूट्यूब पे वीडियोज देखती थी, माई थिंकिंग वॉज यार क्या ये 2 मिनट में बन जाएगी. बट अब लिटरली बताऊँ, एक मेकअप के वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं. एंड 2 से 3 घंटे मतलब फुल आप लाइट के अंडर बैठे रहते हो. सर्दियों में फिर भी वो ओके था, बट गर्मियों में लाइट की वजह से जो गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है रूम में. एंड यू कांट ऑन योर फैन, यू कांट यू नो स्विच ऑन योर फैन, योर एसी और एनीथिंग, बिकॉज अदरवाइज जो ऑडियो है उसमें वो ऑडिबल होती है उसकी साउंड्स, एंड दैट इज़ विट अनोइंग. एंड उसके बाद लगते हैं एक घंटा नियर अबाउट लग जाता है एडिटिंग में, अगर नॉर्मल एडिटिंग हो और वीडियो छोटी हो. बट वीडियो बहुत बड़ी हो देन उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है. लाइक व्लॉग्स को स्पेशली एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज व्लॉग में कुछ भी प्लान नहीं होता है एंड होता रहता है. सो उसमें से मेरे अकॉर्डिंग उसको एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है. बट सबका अपना वो है. एंड राइट नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज, लेट्स फॉरगेट दैट एवरीथिंग आउट. What I was saying is कि अभी मुझे 9:20 हो गए हैं यहाँ पर ये अपलोड एंड ऑल करते हुए. एंड आई थिंक वी विल बी लीविंग आवर होम टिल 10. मैं आई हैव टेकन बाथ, सिर्फ कॉम वॉम कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ नहा के यहाँ बैठ गई थी इसको काम करने. एंड अभी आई विल गेट रेडी बिकॉज यू हैव टू गो आउट. एज आई टोल्ड यू, हम लोग शॉपिंग भी जा रहे हैं. एंड आई विल कैच यू वंस आई एम आउट ऑफ माई होम. हम लोगों ने राजीव चौक तक जाने के लिए मेट्रो का यूज़ किया था बिकॉज मेट्रो मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है और जो भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोगों ने मेट्रो का यूज़ किया था. स्टेशन से एग्जिट करने के बाद दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग एट. पालिका बाज़ार था वहाँ जाते ही सबसे पहले, बट हम लोग पालिका बाज़ार में नहीं गए बिकॉज मेन मोटिव यही था जनपथ में जाने का. एंड यू कैन सी द मार्केट नाउ. यहाँ पे बेसिकली सब कुछ तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी जैसे कि टॉप्स, टी शर्ट्स, ड्रेसेस, इयर रिंग्स, शूज़,
चप्पल कोल्हापुरी चप्पल टाइप्स होती हैं वो, इयररिंग, ज्वेलरी जो आपको चाहिए मतलब इन कैटेगरीज में वो आपको अवेलेबल था. बट द थिंग वॉज वो लोग ना भिड़ते, उनसे अगर पूछें कि कितना प्राइस है वो लोग इतना बड़ा चढ़ा के बोलते कि आगे कुछ पूछने का मन ही नहीं करता. बट दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग, मुझे पता नहीं था कि इनसे तोड़वाते मतलब इनसे कम करवाते बार्गेनिंग करते हैं कि वो. सो एंड जो उनका कुर्तीज़ का कपड़ा था दैट वॉज ऑल्सो सो लाइट कि मन भी नहीं करे कि जितना, इवन इफ इन लाइक कुर्ती इन्होंने 900 की बोली एंड अगर उसे देखे तो वो 900 की थी भी नहीं, उसे कितना तोड़वाएं उसके कपड़े के अकॉर्डिंग. सो दैट्स वाई हम लोगों ने ऐसा कुछ स्टफ नहीं लिया, हम लोगों ने कुछ गिनी चुनी चीज़ें ली थी जो कि थोड़ी ये था कि हाँ भाई दिस वॉज दी वर्थ परचेजिंग. सो हम लोगों ने वो चीज़ें ली वहाँ से, एज सच कुछ नहीं लिया. जो शॉप्स थी वो एक्सपेंसिव थी एज कम्पेयर टू द स्टॉल्स. स्टॉल्स पे 50-60 के अराउंड मिल जाते शॉप से, वही चीज़ें वो 300-400 बोल रहे थे. देन वी मेट वन ऑफ आर मेरे दादू के बॉस थे बेसिकली वो, देन उन्होंने हमें ट्रीट दी कसाटा आइसक्रीम की एंड देन वी एंजॉयड दैट. उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था एंड देन वी हेड टूवर्ड्स दी सदर मार्केट. सदर मार्केट में यू कैन सी सिर्फ एक ही क्लिप डाली है मैंने बिकॉज देर वॉज नथिंग मच टू शो यू. बहुत ज़्यादा रश था, पैर तक रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे, सो दैट्स व्हाई मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया वहाँ पे. एंड या दिस वाज दैट फॉर माय व्लॉग. सदर में भी प्राइस थोड़े से वो लोग ज़्यादा बता रहे थे, ऑब्वियसली यू हैव टू बार्गेन एंड होलसेल में ही आप ले सकते हो, सिंगल में लोगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है. सो सो या दिस वॉज दैट. एंड हम लोग जनपथ गए थे, जनपथ में हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की जिसका कि मैं हॉल, जनपथ हॉल इस वीडियो की बाद जो वीडियो आएगी उसमें आएगा. एंड हम लोग उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सदर मार्केट गए थे एंड वहाँ पर हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी चीज़ ली बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और वहाँ पे बहुत गंदे वाला रश था, इसलिए हम लोगों ने उस मार्केट को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. और उसकी अगर आप नोटिस करेंगे तो उसकी सिर्फ एक ही क्लिप है एंड वहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई वॉज गोइंग टू जनपथ. सो मेरा कंसनट्रेशन था कि मैं पहले उस मार्केट को अच्छे से देखूँ रेदर देन जस्ट मेकिंग द वीडियो, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डाली हैं. बाकी वॉइस ओवर में आप लोगों को पता चल गया कि हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस एंड वहाँ पर क्या चीज़ कैसी क्या थी. सो या थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ये व्लॉग मे बी, बट आई विल ट्राई कि थोड़े इंटरेस्टिंग बनाऊँ मैं अपने व्लॉग्स को. और कोई अगर आप चाहते हैं किसी मार्केट से रिलेटेड, जैसे मैं जनपद का भी व्लॉग बनाया, किसी और मार्केट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं देन प्लीज़ कॉमेंट अस बिलो. बिकॉज दिल्ली की मैं एक सरोजनी नगर में गई हूँ, एक ही बार गई हूँ वो भी आज तक. सो अगर आपको चाहिए कि मैं किसी मार्केट का व्लॉग बनाऊँ देन प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. मुझे भी अच्छा लगेगा उन मार्केट को जाके एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा. सो या यू कैन डू दैट. एंड उस दिन घर पे आने के बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और हम लोग घर पे पहुँचे थे नियर अबाउट 8 आई गेस, 8 बजे रात को पहुँचे थे या 7 बज रहे थे, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है बिकॉज मेरे पैर बहुत गंदे से दर्द कर रहे थे और मैं बस सो गई थी आने के बाद. दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में जो कि होगी हॉल, जनपथ हॉल वाली वीडियो. सो या टिल देन टेक केयर, बाय.